बेमेतरा जिले के एक पेट्रोल पंप में लूट की कोशिश की गई। पंप के कर्मचारियों ने जब चोरी की रोकने की कोशिश की तो झड़प के दौरान नकाबपोश बदमाशों ने पंप के कर्मचारी को गोली मार दी। गोली लगने से कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी जो फुटेज है उनमें बदमाशों की शिनाख्त करने की कोशिश जारी है। दो लोग आए, बस खटखटाया कांच को और सीधा कांच तोड़ दिया। उसके बाद एक अंदर घुस गया, फिर मारपीट, हम एक को पकड़ लिया था हमें और फिर मारपीट चालू हो गया, फिर उतने में गोली चला दिया सर। वो लोग कुछ भी नहीं किया, केवल हम वो लोग कांच तोड़ा था, हम लोग मारपीट चालू कर लिया सर तुरंत, और बंदूक दिखाया, फिर थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर भी मारपीट चालू था और गोली चलाया, फिर घबरा गया, फिर पकड़े रहे उसको, छोड़ दिया, फिर भाग गया। गोली ललित रजक को तमाम पूरे शहरी जितने जिले हैं सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है और तमाम सब जगह पर जो है नाकेबंदी की गई है और जो जितने फुटेज हैं उन सबको खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।